फ्रांस में बीते कुछ दिनों से हालात खराब हैं। इसको लेकर वहां की सरकार भी चिंतित है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉन ने शुक्रवार को कहा कि देश में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को यातायात जांच के दौरान 17 वर्षीय नाहेल की हत्या का वीडियो भी सामने आया था। इस घटना से देश को झकझोर कर रख दिया और लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। इस घटना के बाद फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं और जगह जगह आगजनी की घटना हुई तथा विरोध प्रदर्शन तीसरी रात भी जारी हैं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री से रिपोर्टर्स ने पूछा था कि क्या देश में इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई है। गौरतलब है कि यहां पर कुछ राइट विंग विपक्षी दल इसकी मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री वांग ने कहा कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल हमारी प्राथमिकता पूरे देश में व्यवस्था बहाल करने पर है। इसके बाद वह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की अध्यक्षता में एक संकट सुरक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इमरजेंसी की हालत में अधिकारियों को अधिक शक्तियां मिल जाएगी। इसके तहत वह पुलिस को स्थानीय कर्फ्यू घोषित करने, प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने और संदिग्ध दंगाइयों को रोकने और घरों की तलाशी लेने के संबंध में अधिक शक्तियां दे सकते हैं। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के लिए ब्रसेल्स की अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त कर दी थी।